से 3 साल पहले की। कोई एक नूब बंदा मेरे से मदद मांगता है और मैं ही एक सबसे अमीर बंदा था उस शहर में। तो मैं अपना नेदरराइट का आर्मर पहनता हूँ और आगे बढ़ता हूँ उसकी मदद करने के लिए। और मैं उस बंदे को तो बचा लेता हूँ, लेकिन वहाँ पर मैं घायल हो जाता हूँ। और ये बंदा दिन रात मेहनत करके पॉइजन्स केमिकल्स बना के खुद ही अपने आप पर टेस्ट करके बन जाता है एक सुपर पावर मैन, जो कि हीरो ब्राइन है। तो हे गाइस, आज के वीडियो में हम दोबारा से आ चुके हैं माइनक्राफ्ट की एक नई वीडियो के साथ। तो आज के वीडियो में हम जाने वाले हैं प्लेन को हाईजैक करने के लिए, क्योंकि हीरो ब्राइन मेरे को टेस्ट कर रहा है कि मैं ये सब कर सकता हूँ या फिर नहीं। तो हीरो ब्राइन के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक याद से कर लेना। तो अभी हम फिलहाल आ चुके हैं एयरपोर्ट के सामने और अभी हम फटाफट से अंदर जाते हैं और फ्लाइट के लिए टिकट वगैरह काटते हैं। और हमने हीरो ब्राइन ने दिया है कुछ स्वॉर्ड और शील्ड, तो अभी हीरो ब्राइन ही मेरे को सब सामान वगैरह देगा प्लेन को हाईजैक करने के लिए। और अभी अभी तो मेरे पास कुछ वेपन्स नहीं है, आगे हीरो ब्राइन ही मेरे को देगा आगे। तो अभी हम फटाफट से यहाँ से अंदर जाके टिकट वगैरह काटते हैं। भाई टिकट दे यार, फ्लाइट का क्यों खड़ा हुआ है? अरे भाई ये विलेजर ना कहाँ पे चढ़ रहा है यार। भाई टिकट दे यार, मेरा देगा क्या? नहीं लगता है भैया जी का थोड़ा नेटवर्क स्लो है। अरे भाई यार दे दिया, तो टिकट भी दे यार। तो गाइज हम टिकट लेके सीधा प्लेन में जाते हैं। प्लेन में जाने से पहले हीरो ब्राइन ने कुछ बाहर बुलाया है हमें, क्योंकि वो हमें वेपन्स वगैरह देना चाहता है प्लेन को हाईजैक करने के लिए। तो अभी फटाफट से जाते हैं और हीरो ब्राइन से मिलते हैं। तो गाइस फाइनली मैं भागता भागता आ चुका हूँ एक ऐसी लोकेशन पे जहाँ पर प्लेन भी नहीं खड़ी हुई है। तो लगता है हीरो ब्राइन भी यहीं पर आ जाएगा, तो वेट करते हैं हीरो ब्राइन के आने तक। तो फाइनली गाइस अभी मौसम भी थोड़ा बहुत बदल गया है, लगता है हीरो ब्राइन आ रहा ही होगा। ओ भाई क्या एंट्री लिया है यार हीरो ब्राइन ने। अगर आपको भी ये वाली हीरो ब्राइन की एंट्री पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। तो अभी फटाफट से चलते हैं हीरो ब्राइन के पास और सामान वगैरह मांग के लेके आते हैं। भाई सामान दे यार फटाफट से, फ्लाइट लेट हो जाएगी वरना। गाइस थोड़ा बहुत तो मुझे इस हीरो ब्राइन से डर ही लगता है, क्योंकि ये बंदा बहुत ही पावरफुल है। ये बंदा हमें बिना छुए ही 3 टुकड़ों में मार सकता है, तो इसके साथ हमारी नहीं चलेगी। तो हमारा जो वो वाला प्लान है जो कि हम उसमें राजा को मार के सिटी का किंग बनेंगे, तो ये प्लान हम इसको इतनी जल्दी नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि यही ये वाला जो हीरो ब्राइन है वो भी राजा का किसी पहचान वाला बंदा होगा, तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी हमारे लिए। और मैं नहीं चाहता कि राजा को मारने से पहले हीरो ब्राइन हम ही को मार दे। तो अभी हम फिलहाल खाने का सामान लेना भूल गए थे, तो हम फिर से आए हैं हीरो ब्राइन के पास खाने का सामान लेने के लिए। तो अभी फिलहाल ये बंदा हमें खाने के लिए कुछ ब्रेड वगैरह दे रहा है, तो अभी फटाफट से यहाँ से ब्रेड लेके निकलते हैं फ्लाइट के लिए। और हम उस फ्लाइट को जो है हाईजैक करके प्लेन में ही ब्लास्ट कर देंगे, ताकि पुलिस को पता ना चले कि हमने ही प्लेन को हाईजैक किया था। तो फिर से यह प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो हम सीधा राजा के पास ही जाएंगे। पुलिस वाले लेके हमें सीधा राजा के पास ही लेके जाएंगे। तो अभी फटाफट से हमारी सीट में हम जाके एक शांति से बच्चे की तरह बैठ जाते हैं, ताकि किसी को शक ना हो हम प्लेन हाईजैक करने के लिए आए हैं। तो गाइस अभी फ़िलहाल हम फ्लाइट के अंदर हैं और अभी हम हाईजैक नहीं करेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे और खाना वगैरह खाएंगे। उसके बाद हम बंदूक लेके एक एक को मार मार के सामान वगैरह काट लेंगे। तो गाइस अभी चलते हैं फटाफट से, सारे के सारे बंदों को यहाँ से मारेंगे। भाई यार सामान दे यार, नहीं तो तू बचेगा नहीं मेरे हाथ से। अरे भाई यार ये कितने नल्ले विलेजर हैं यार, बंदूक से तो डर रहे नहीं। एक काम करते हैं, ये पूरी की पूरी प्लेन जो है ग्रेनेड से कंटिन्यू फोड़ देते हैं। अब कोई नहीं बचने वाला मेरे हाथ से, हट जाओ सब लोग, नहीं तो मैं ग्रेनेड तुम्हारे ऊपर ही डाल दूंगा।
तो गाइज यहाँ पर प्लेन में हीरो ब्रेन भी आ चुका है। गाइज ये हीरो ब्रेन लगता है मेरे को पैराशूट देना भूल गया था, इसीलिए ये पैराशूट देने के लिए हमें प्लेन में आ गया। तो हीरो ब्रेन ने मेरे को एक पैराशूट दे दिया है। तो अभी हम फटाफट से प्लेन में से कूद जाते हैं। तो गाइस फाइनली हमारा मिशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, और ऊपर तो हमने प्लेन का पूरा काम तमाम कर दिया है। प्लेन पूरी ब्लास्ट हो चुकी है, आपने उसकी साउंड भी सुना होगा। तो अभी फटाफट से हम नीचे लैंड हो चुके हैं पैराशूट लेके। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।